1 मई 2024 को गुरुदेव बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 2 जून 2025 तक वृषभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। गुरुदेव बृहस्पति किसी भी एक राशि में जब प्रवेश करते हैं तो 12 महीने 13 महीने तक उसी राशि में विचरण करते हैं, गोचर करते हैं, विद्यमान रहते हैं, विराजमान रहते हैं। लंबे समय तक यह आपको या तो लाभ देते हैं और या फिर हानि देते हैं। गुरु हमारे भाग्य का कारक है, संतान का कारक है, विवाह का कारक है और साथ ही साथ हमारे जीवन में जो भी हम सफलताएं अर्जित करते हैं उनका कारक है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान आता ही नहीं। इसलिए कुंडली में गुरु ग्रह का अपना एक अलग महत्व है। आज हम आपको इस वीडियो में 12 की 12 राशियों पर गुरु के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या लाभ होगा 12 राशियों को, क्या नुकसान होगा, कौन सी राशि सफलता प्राप्त करेगी, कौन सी राशि अशुभ प्रभाव के कारण बहुत ही कष्ट भोगेगी और उस अशुभ ग्रह के प्रभाव से बचने का क्या उपाय है, सारी बातें इसी वीडियो में बताएंगे। तो साथियों, निवेदन है, विनती है, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। साथियों, 1 मई 2024 को गुरुदेव बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश किए हैं। वृषभ राशि में प्रवेश करने के कारण 12 की 12 राशियों पर इनका क्या शुभ प्रभाव है, क्या अशुभ प्रभाव है, क्या सावधानी रखने की आवश्यकता होगी, यह तो बताएंगे ही बताएंगे कि आपको 1 मई 2024 से लेकर 2 जून 2025 तक, क्योंकि 12 महीने गुरु आपकी कुंडली में गोचर करने वाले हैं, किस भाव में करेंगे यह भी बताएंगे और उसके अशुभ प्रभाव से बचने का उपाय भी बताएंगे। तो ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखें। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि की। साथियों, मेष राशि के जो भी जातक हैं ध्यान रखें, आपके 12वें भाव 9वें भाव के जो स्वामी हैं वो आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। कहने का तात्पर्य है मेष राशि की कुंडली में द्वितीय भाव यानी धन भाव पे गुरु का गोचर होने जा रहा है। निश्चित मानकर चले मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए धन आगमन के योग बनेंगे, क्योंकि धन भाव पर गुरु का गोचर धन लाभ देता है और क्योंकि 12वें भाव के स्वामी हैं, 9वें भाव के स्वामी हैं, इसलिए भाग्य उदय भी आपका करेंगे लेकिन आपके भौतिक संसाधनों के खर्चों को बढ़ा देंगे। यानी कि हो सकता है घर में साज सज्जा के नाम पर कोई बड़ा खर्च हो, रेवुनेशन करें घर का, तो इस तरीके के खर्च, भौतिक खर्च जो है आपके वो 12 महीनों के लिए जबरदस्त बढ़ेंगे। हालांकि धन भी आपके पास इन 12 महीनों में भरपूर आएगा। उपाय बताते हैं कि क्या कर लें। गुरु के उपाय जरूर मेष राशि के जातक करें। एक आटे की लोई, उस पर चने की दाल और गुड़ रखकर गाय को गुरुवार के दिन जरूर खिलाएं, लाभ होगा। वहीं 3 मुखी रुद्राक्ष मेष राशि के जातक जरूर धारण करें अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, क्योंकि रुद्राक्ष जो है भाग्य उदय करता है और रुद्राक्ष आप हासिल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया है, आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए दूसरी राशि की बात करें, वृषभ राशि। तो वृषभ राशि की जो कुंडली है उसमें 8वें और 11वें भाव के स्वामी हैं गुरु और आपके 1वें भाव में गोचर करेंगे। ऐसी स्थितियों में
आपके विवाह के योग, संतान प्राप्ति के योग और आय में वृद्धि के योग गुरुदेव बनाएंगे, स्वास्थ्य में आपको लाभ देंगे। यह सारे फायदे आपके लिए 2024 से लेकर 2025 तक बने हैं, यानी 1 मई 2024 से लेकर 2 जून 2025 तक। अब बात कर लेते उपाय की, तो उपाय में वृषभ राशि के जो भी जातक हैं, स्त्री का सम्मान करना सीखें। अगर आप अपनी पत्नी का अपमान करेंगे, गाली गलौज करेंगे, विवाद करेंगे तो आपको हानि होगी, कोई भी लाभ नहीं होने वाला। और 6 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के सप्तम भाव और दसम भाव के स्वामी हैं गुरु, और 12वें भाव में विचरण करेंगे। क्योंकि गुरु 12वें भाव में वैसे ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता, कष्ट और संघर्ष, यहाँ तक कि जो है अपना देश छुड़ा देता है, अपना घर छीन लेता है, बहुत समस्याएं आती हैं। लेकिन मिथुन राशि के जातकों के लिए, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी हैं और दसम भाव के भी स्वामी हैं गुरु और 12वें भाव में विचरण कर रहे हैं, इसलिए मल्टीनेशनल कंपनियों से आपको लाभ प्राप्त होगा, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं या विदेश में रहते हैं तो यह स्थिति आपके लिए जबरदस्त बनेगी। केसर का अपने मस्तक पर तिलक लगाएं, 4 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें। चलिए बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि में गुरु जो है 6वें और 9वें भाव के स्वामी हैं और 11वें भाव में गोचर करेंगे। 11वां भाव लाभ स्थान है, स्वाभाविक है, लाभ ही मिलेगा आपको, नौकरी आपकी लगेगी। वहीं परीक्षा और प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें भी आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। आपको उपाय में क्या करना है, झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलने से आप, और ईर्ष्या नहीं करनी है, किसी से कंपटीशन नहीं करना है, अपना कार्य करना है, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। वहीं 2 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें कर्क राशि के जातक, लाभ होगा। चलिए सिंह राशि की बात करते हैं। तो सिंह राशि के 10वें भाव में कर्म भाव में गुरु का गोचर होने वाला है, भ्रमण करने वाले हैं। 10वां भाव जो है वो कर्म का भाव है, तो ऐसे में ध्यान रखें कि थोड़ी कड़ी मेहनत के बाद ही आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। सूर्य ग्रहण जब पड़े तो एक नारियल जरूर दान करें, बादाम जरूर दान करें, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, सफलताएं प्राप्त होंगी, ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बचे रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं 6वीं राशि कन्या राशि की। कन्या राशि के भाग्य स्थान में गुरु का गोचर हो रहा है 1 मई से लेकर 2 जून 2025 तक, यानी कि 1 मई 2024 से लेकर 2 जून 2025 तक। तो यह जो 12 महीने का कार्यकाल है गुरु का, यह आपको बहुत बड़ा लाभ देगा। लोगों का सहयोग प्राप्त होगा आपको, व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त होगा, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, और जो व्यक्ति नए मिलेंगे उनसे आपके जीवन में सफलताएं प्राप्त होंगी, बिजनेस व्यापार में तरक्की होगी। दुख के जो दिन आपने भोगे हैं उससे कई गुना अधिक आपको वापस इन 12 वर्षों में गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से प्राप्त होगा। ध्यान रहे, उपाय में केवल आपको एक उपाय सबसे जो बढ़िया करना है, 4 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर लें और हरे मूंग की दाल मुट्ठी बंद करके बिना गिने सिर से उतार कर अपने घर के बाहर फेंक दें, छत पर नहीं फेंकना है, लाभ होगा। चलिए तुला राशि की बात कर लें। तो तुला राशि का स्वामी शुक्र है और गुरु आपकी कुंडली में 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। निश्चित रूप से मानकर चलें उलझने बहुत बढ़ा देंगे, घरेलू विवाद आपके सामने प्रकट होंगे, समस्याएं पैदा होंगी, यहाँ तक कि आपको जीवन से उबासी होने लगेगी और जिंदगी से प्रेम समाप्त होने लगेगा और एक तरीके से सब कुछ बोझ जैसा लगने लगेगा। ऐसी स्थितियां बनेंगी, वाद विवाद की स्थितियां होंगी, आर्थिक स्थिति भी आपकी डगमगा सकती है, लेकिन ध्यान रहे इस उपाय को जरूर करें, लाभ होगा। उपाय में क्या करना है, 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें और जो भी आपकी देवी है, कुल देवी है, ग्राम देवी है, दुर्गा काली सरस्वती, जिस देवी पर आपकी आस्था है उसका पूजन जरूर करें शुक्रवार के दिन,
छह मुखी रुद्राक्ष धारण करें और रोज थोड़े से चावल अपनी मुट्ठी में बंद करके बिना गिने सिर से उतार कर घर के बाहर फेंक दें, छत पर नहीं फेंकना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए अब बात करते हैं आठवीं रास की। आठवीं रास है वृश्चिक रास। वृश्चिक रास के जातकों की कुंडली में सातवें भाव पर गुरु का गोचर होगा। सातवां भाव पार्टनर का भाव है, पत्नी और पति का भाव है, वैवाहिक जीवन का भाव है, दाम्पत्य का भाव है। तो ऐसी कंडीशन में आपका स्वभाव थोड़ा उग्र हो सकता है, छोटी छोटी बातों में को लेकर गुस्सा आपके अंदर आ सकता है, लेकिन परिवार में आपके आपस में प्रेम बने रहेंगे। खाने से आपको अरुचि हो जाएगी, टेस्ट आपको खाने पीने में लगेगा नहीं। अगर ऐसा होने लगे, उग्र स्वभाव हो, खाने में अरुचि होने लगे, तो शिव पूजन जरूर करना शुरू कर दें या चंद्र का पूजन जरूर करें और तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करें। साथ ही साथ मंगलवार के दिन एक लाल धागा अपने, स्त्री हैं सुहागन तो बाएं हाथ में और कुंवारी हैं तो अपने दाएं हाथ में, पुरुष भी अपने दाएं हाथ में लाल धागा मौली कलावा जरूर बांधें। चलिए नवी रास धनु रास की बात कर लें। छठवें भाव में गोचर होगा गुरुदेव बृहस्पति का, यह आपको उत्तम स्वास्थ्य देंगे और शत्रुओं पर विजय श्री प्राप्त कराएंगे। गणेश गण भगवान विघ्नहर्ता श्री गणेश का पूजन करें, लाभ होगा। वहीं पांच मुखी रुद्राक्ष धारण करें। जीवन में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, गाय को गुरुवार के दिन कुछ ना कुछ खाने को जरूर दें। चलिए दसवीं राश मकर राश की बात कर लें। पंचम भाव में गुरु का गोचर होने जा रहा है और पूरे 12 महीने रहेगा। आय के आपके जबरदस्त स्रोत बढ़ेंगे, विवाह के संबंध आएंगे और विवाह के योग भी आपके बने हुए हैं, नौकरी के भी आपके योग बने हैं। लेकिन ध्यान रखें, दान किसी से मत लें। कोई भी व्यक्ति आपको फोकट में फ्री में कोई चीज़ देता है तो बिल्कुल नहीं लेना है। एक रुपए दें, कीमत ना दें पूरी, एक रुपए दें, लेकिन बिना पैसे के कोई भी वस्तु किसी से उपहार में भी आपको नहीं लेनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सात मुखी रुद्राक्ष धारण करें, सफलताएं प्राप्त होंगी आपको। चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के चौथे भाव में गुरु का गोचर होने वाला है। चौथे भाव में गोचर जरूर हो रहा है साहब, लेकिन धन भाव के स्वामी हैं आपके गुरु, इसलिए ऐसे में चौथे भाव का गोचर जो है वो आपको नुकसान तो देगा, हानि देगा, लेकिन साथ ही साथ हो सकता है इस साल आपका पद में प्रमोशन भी हो जाए, आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाए, रिश्ते और रिलेशनशिप जो है वो भी अच्छे हो जाए। बस ध्यान रखें, बड़ों का आदर करें, गुस्सा कम करें, अपनों से प्यार करें और किसी का अपमान मत करें। सात मुखी रुद्राक्ष धारण करें। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, काली चींटियों को गेहूं के आटे में शक्कर मिलाकर खिलाएं, लाभ होगा। चलिए आखिरी राश है मीन राश। मीन राश की बात कर लें तो मीन राश के जो भी जातक हैं, क्योंकि स्वामी ही आपका गुरु है और गुरु आपके तीसरे भाव यानी कुटुंब के भाव में गोचर करेगा, यह आपके अंदर आत्मबल बढ़ाएगा। परिवार में भाइयों से, बहनों से, नौकरों से आपको लाभ प्राप्त होगा। जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं वो आपको लाभ की स्थितियां देंगे। स्वास्थ्य में भी आपके लाभ होगा, रिश्तेदारों से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको क्या करना है, कन्या का पूजन करें। छोटी छोटी कन्याएं जो हैं 2 वर्ष, 2.5 वर्ष, 1.25 वर्ष, ऐसी कन्याओं का आप कोई भी दिन गुरुवार का या शुक्रवार का ऐसा शुभ दिन पकड़ के या गुरुवार को कर लें, कन्याओं का पूजन करें और हो सके नवरात्रि में भी करें या जैसा भी हो कोई शुभ वार शुभ महीना देख करके कन्याओं का पूजन अगर साल में 2 या 3 बार करते हैं, क्योंकि 12 महीने गुरु देव बृहस्पति रहने वाले हैं, तो यह आपके लिए लाभ की स्थितियां प्रदान करेगा। ध्यान रहे, गुरु की जो स्थिति है वर्तमान में सभी राशियों के लिए, 1 मई को गुरु प्रवेश किए हैं वृषभ राशि में और 6 मई को गुरु 1 मई 2024 को प्रवेश कर गए हैं, लेकिन 6 मई 2024 को गुरुदेव अस्त हो जाएंगे। अस्त होने के साथ साथ कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता,
गुरु का जो उदय है वो 2 जून को होगा, 2 जून 2024 को। तो ऐसे में ध्यान रखें कि आपको लाभ की स्थितियां जबरदस्त तो बनेंगी ही बनेंगी। चूंकि पूरी वीडियो मेरी गलत हो गई है, यहाँ पर संशोधन थोड़ा सा कर देते हैं। गुरुदेव बृहस्पति जो है वो, चूंकि मैं जो पहले बता गया वो थोड़ा सा तारीख गलत हो गई है। अब चूंकि पूरी वीडियो अगर मैं फिर से बनाऊंगा तो फिर इतना समय लगेगा इसको बनाने में, यहाँ पर संशोधन कर देते हैं आपको कि गुरुदेव बृहस्पति 1 मई 2024 को वृषभ राशि में प्रवेश किए हैं और 14 मई 2024 तक रहेंगे, 14 मई 2025 तक रहेंगे। 1 मई 2024 को प्रवेश किए हैं गुरुदेव बृहस्पति वृषभ राशि में और 14 मई 2025 तक रहेंगे। मैं बार बार 2 जून 2025 बोल गया, यहाँ पर इस चीज को करेक्शन कर लें। 6 मई को गुरुदेव अस्त हो जाएंगे 2024 में और 2 जून 2024 को उदित होंगे, यानी कि इनका पुनः उदय होगा। वहीं गुरु जो है 9 अक्टूबर को वक्री होंगे और ये रहेंगे वक्री 4 फरवरी 2025 तक। तो यह स्थिति है, पहले जो 2 जून तक बता गए थे उसकी जगह पर 14 मई 2025 तक, यानी 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक गुरुदेव वृषभ राशि में भ्रमण करेंगे, उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यह 12 की 12 राशियों का जो आपको उपाय बताया है जरूर करें, लाभ होगा। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें। हाँ, कुछ बोलने में त्रुटि हो जाती है कभी कभी, नज़र चुकी की वजह से तारीख में त्रुटियां हो जाती हैं। संशोधन करना इसलिए उचित समझा क्योंकि फिर से वीडियो को तैयार करना, फिर से बनाना, वो थोड़ा सा समय अभाव के कारण असंभव सा प्रतीत हुआ, इसलिए फिर से संशोधन किए देते हैं। गुरुदेव बृहस्पति का 12 महीने का जो कार्यकाल है, 1 मई को गुरुदेव बृहस्पति 2024 में प्रवेश किए हैं और 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में ही रहेंगे, और ये जो फल बताए हैं उनका फलादेश किया है ये सेम ही रहने वाला है। जो उपाय बताए हैं करें और लाभ लें। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।